कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज है हफ्ते का आखिरी दिन और वीकेंड वाले दिन हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, मेटल के मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार आपको करना चाहिए। आज एल्युमिनियम सिक्स में, दिल्ली के स्पॉट मार्केट में, मुंबई के स्पॉट मार्केट में कैसा कारोबार चल रहा है आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आज वीकेंड वाले के दिन बाजारों में कीमतों में आपको हल्की सी रिकवरी तो देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं जा रहा है। मार्केट में एक्सपायरी जो चल रही थी उसको देखते हुए बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग के साथ कारोबार देखा गया। 900 रुपए के आसपास का रेट मार्केट में अब कॉपर का वहां से गिरकर 870 से लेकर 875 रुपए के बीच देखा जा रहा है। रेट के बारे में बात करते हैं, 10,080 रुपए तक का रेट एलमी में है, 873 रुपए तक का रेट एमसीएस में। एल्युमिनियम के मार्केट में 2,664 रुपए तक का रेट चल रहा है एलमी में, 241 रुपए 25 पैसे तक की कीमतें एमसीएस में देखी जा रही है। लेड के मार्केट में 2,279 रुपए तक का रेट एलमी में है, 191 रुपए 70 पैसे तक की कीमतें एमसीएस में है। जिंक के बाजार में 2,989 रुपए तक का रेट एलएमई में चल रहा है, 265 रुपए 55 पैसे तक की कीमतें एमसीएस में देखी जा रही हैं। सोने के मार्केट में 2,346 रुपए 70 पैसे तक का रेट चल रहा है कॉमिक्स में, 72,050 रुपए तक की कीमतें एमसीएस में देखी जा रही हैं। चांदी के बाजार में 30 रुपए 49 पैसे तक का रेट कॉमिक्स में है, 91,650 रुपए तक का रेट एमसीएस में है। क्रूड ऑयल के बाजार में 77 रुपए 10 पैसे कीमतें कॉमिक्स में चल रही हैं, 6,444 रुपए तक का रेट एमसीएस में है। दिल्ली के मार्केट के बारे में बात करेंगे खबरों में आगे, किस तरह से कारोबार फिजिकल बाजार में स्पॉट मार्केट में दिल्ली में चल रहा है आपको विस्तार से बताएंगे इस बारे में। मगर उससे पहले अगर आपको मटेरियल बाजार संबंधित मार्केट को उतार चढ़ाव तेजी मंदी की जानकारी विस्तार में चाहिए तो आप हमारा मटेरियल फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:30 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेटल के बाजार में दिल्ली के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए, फिजिकल मार्केट में भी बाजारों में आपको हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। कॉपर केबल स्क्रैप में रेट 872 है, कॉपर आर्मेचर का रेट 860 चल रहा है। एल्युमिनियम पुर्जे में आज कीमतें 188 हैं, एल्युमिनियम बर्तन का रेट 190 है। जिंक के बाजार में जिंक हिंदुस्तान में कीमतें आज की 277 चल रही हैं, लेड का रेट 191, एलआईबीटी में कीमतें 210 हैं, बैटरी स्क्रैप का रेट 103/123 है। निकल में कीमतें आज की 1680 है, नागे का रेट 3090 चल रहा है, पीतल में कीमतें 550 हैं, एसएस बर्तन स्क्रैप में 64 रुपए तक का आप दिल्ली के बाजार में रेट देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मुंबई के मार्केट में कि क्या कीमतें चल रही हैं मुंबई के बाजार में, तो मुंबई के मार्केट में कॉपर केबल स्क्रैप में आज का रेट 867 है, कॉपर आर्मेचर में कीमतें 837 चल रही हैं, ब्रास स्क्रैप में आज का जो रेट है वो 540 देखा जा रहा है। एल्युमिनियम के बाजार में 187 रुपए तक का रेट है, जिंक के बाजार में जिंक इंगट में कीमतें 276 चल रही हैं, लेड का रेट 196 है। टिन इंगट में कीमतें आज की 3,094 रुपए देखी जा रही हैं। निकल का जो आज का रेट है वो 1715 है। मुंबई के बाजार में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल आज जो मेटल के बाजार का ट्रेंड है वो निगेटिव ही है, आने वाले टाइम में रिकवरी आने का अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग रेंज के बारे में, तो सपोर्ट का एक अच्छा लेवल अगर आप कॉपर में देखेंगे तो 889 रुपए का सपोर्ट अच्छा है, 849 रुपए का सपोर्ट अच्छा है, 862 रुपए तक का रेजिस्टेंस लेवल देखा जा रहा है। लेड के बाजार में 190 रुपए का सपोर्ट का लेवल अच्छा है, 192 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल देखा जा रहा है। जिंक के बाजार में 277 रुपए का सपोर्ट अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 283 है। निकल के मार्केट में 1680 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, 1720 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल आप निकल में देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का ट्रेंड निगेटिव ही है, एक अच्छे सपोर्ट को देखते हुए बाजार में आप गिरावट पर जरूरत के हिसाब से खरीदारी फिलहाल जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।